हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ब्यूटी स्पेस। आज हमारे हेलो साथ हैं अशोक पालीवाल जी, उदयपुर राजस्थान से, और हमारे साथ हैं शीला जी, शीला अय्यर जी। हमें पता है कि अशोक जो हैं एक जानी मानी हस्ती हैं हमारे हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री के। उन्होंने लगभग 2 दशकों से काफी मेहनत करी है हमारे इंडस्ट्री को ऊपर लाने में। कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो को-फाउंडर हैं हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन के, राजस्थान के, और उन्होंने बाकी बड़े बड़े एसोसिएशन से मिलके एक लीडरशिप रोल में काम किया है। इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। उनका अपना प्रभात सैलॉन, स्पा एंड इंस्टीट्यूट है, जिसका जिसमें वो अपने परिवार के साथ उन्होंने एक उदयपुर का एक जाना माना डेस्टिनेशन, ब्यूटी डेस्टिनेशन माना जाता है इनका सैलॉन। और उससे भी ज्यादा सैलॉन्स तो कई हैं हमारे देश में, लेकिन समाज के लिए काम करना और सामाजिक कुरीतियों को के अगेंस्ट काम करना, लिंग भेद, जातिवाद, आर्थिक विषमताओं पर ध्यान जागरूकता लाना, ये सब, इन सब में अशोक पालीवाल का बहुत बड़ा एक, मैं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा काम आपने किया है और बहुत ही एडमिरेबल काम किया है। हमारे साथ आज इस टॉक में ऑफ कोर्स जानी मानी जर्नलिस्ट और ब्यूटी इंडस्ट्री की ऑब्जर्वर शीला अय्यर भी हैं। हेलो शीला जी, बिल्कुल नाइस टू हैव यू हियर एज ऑलवेज। शीला जी ब्यूटी बिजनेस डेज के साथ भी बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। उनका ही एक उनकी ही एक इवेंट है जो कि B2B इवेंट है, और बड़े छोटे शहरों में उन्होंने अभी तक जो इंडस्ट्री को मिलाया है B2B गैदरिंग्स में, वो बहुत ही सराहनीय है। सो अशोक जी, वेलकम वेलकम शीला जी। अशोक जी, पहले हम शुरू करते हैं इंडस्ट्री से। जी बिल्कुल आपने आपका जो एक इनहेरिटेंस है, 1960 में आपके पिताजी ने जो सैलॉन की स्थापना करी थी, वहां से शुरू करते हैं और उसको आप आज इतना आगे ले गए हैं, आप और आपकी पत्नी आशा जी, और अब आपकी बेटी भी और आपके दामाद भी उसमें जुड़े जी हुए हैं। तो आप पहले हमें बताइए कि जब आपने ये काम शुरू किया और आप एक इनहेरिटेंस लेके आ रहे थे, आपके पिताजी ने नींव डाली थी एक सालोन की, जिसमें आपके पहले बाकी जी भाई जुड़े, फिर आपने उसको आगे बढ़ाया है, तो किस आपके आप और आप पॉलिटिकली हमेशा एक बहुत एक्टिव रहे हैं, तो आपको क्या शुरू से ये था कि हाँ मुझे परिवार के बिजनेस में ही जाना है? आपके अंदर, मतलब आपके पर्सनल क्या चैलेंजेस थे जब आपने इस बिजनेस में शुरू किया? मैं आप पहले तो सबसे पहले रितु मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार, शीला मैम को थैंक्स। और शीला मैम से जब भी मैं बात करता हूँ तो काफी मोटिवेशन मिलता है मुझे और मेरी एनर्जी और बढ़ जाती है उनसे बात करके। तो मैं आपको, आपने जो प्रश्न किया है, उदयपुर के पास एक छोटा सा गांव है, वहां से मेरे पिताजी काफी बरसों पहले उदयपुर शहर में आए थे। और वो उस वक्त वो अपने पापा से बोल के आए थे कि मेरी जो भी संपत्ति है अपने भाइयों को दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो उदयपुर शहर में आ गए। वो दौर ऐसा था जब हाथ में पेटी लेकर घर घर जाकर हेयर ड्रेसिंग का काम किया जाता था। तो पापा जब सेल उदयपुर में आए तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को, हेयर ड्रेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा सैलून खोला। जिस तरह से आज हम क्लिनिक की बात करते हैं, उसी तरह से उन्होंने क्लिनिक के रूप में ही सैलून को खोला कि पूरा व्हाइट सैलून, उसमें सभी कुछ, पर्दे, कर्टन, कटिंग, क्लोथ वगैरह सभी कुछ व्हाइट।
और सभी के बैठने की व्यवस्था, सभी के सीटिंग की व्यवस्था, स्वागत द्वार, म्यूजिक सिस्टम, वो सभी उन्होंने उस वक्त व्यवस्थाएं की थी। तो वो जो सैलून खोला था उदयपुर शहर के बाहर था, तो वो चाहते थे कि जो हमारा समाज है जो पिछड़ा है और जिनके ऊपर शोषण होता है, तो वो समाज को एक दिशा दे। और इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा सैलून खोल के बताने की कोशिश की है कि हमारे सैलून में जो भी कर्मचारी है कोई भी बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा, तंबाकू नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, ऐसे कर्मचारियों को हम सैलून में अलाउ नहीं करेंगे। उसी के साथ साथ कोई यदि ऐसे कस्टमर भी आ जाते हैं तो उनको हम सर्विस नहीं देंगे, उनको नमस्कार करके बोलेंगे सर हम आपको सेवाएं नहीं दे सकते। तो उन्होंने काफी एक क्रांतिकारी कदम उठाया था, पूरे उदयपुर शहर में नहीं पूरे राजस्थान मध्य प्रदेश में ये संदेश गया था कि हमारी सैलून इंडस्ट्री जो हम काम करते हैं वो काफी सम्मान वाला काम है और इसको नीचे की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम इंसान को साफ सुथरा बनाते हैं, उसको स्वच्छ नीट एंड क्लीन करते हैं, उसकी मानसिकता को बदल देते हैं, उसके शारीरिक स्वरूप को बदल देते हैं। तो इसलिए उस दिशा में उन्होंने काम किया था और उसी वजह से उन्हीं के जो संस्कार है, उन्हीं के जो काम है, उनका असर मेरे ऊपर भी पड़ा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी से जो छात्रों की प्रॉब्लम्स थी, मैं आपको बता सकता हूँ 1980 से छात्र आंदोलन का मैं हिस्सा रहा हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के बच्चे हैं, छात्राएं हैं, उनको हॉस्टल की प्रॉब्लम्स होती थी, उनके पास बुक्स नहीं होती थी, उनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं होती थी, तो उन सबको मोबिलाइज करके हम समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग से हम बात करते थे कि सर इनको, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को लेकर हम सरकार से बात करते थे, उनको सुविधाएं दिलाते थे। तो हमने वार्ता का रास्ता भी अपनाया और आंदोलन का रास्ता भी अपनाया। हमने उदयपुर शहर में इतने बड़े बड़े आंदोलन किए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल क्लोज हो गए, 10-10, 25-25 हजार स्टूडेंट्स रोड के ऊपर थे सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, और हमने वो मांगे पूरी करवाई क्योंकि वो हमारा अधिकार था। और उसी वक्त से मेरे दिमाग में जो मेरे नेतृत्व करने वाले थे, जो मेरे आदर्श थे, और मेरे आदर्श में मानता हूँ भगत सिंह को, जो शहीद भगत सिंह है उनको मैं आदर्श मानता हूँ। जब मैंने उनको पढ़ा था तो मैंने कहा ये हमारा अधिकार है, हमें जो आजादी मिली है जिस देश में हम काम कर रहे हैं, तो हमें एजुकेशन का राइट्स है, हमें एजुकेशन मिलनी चाहिए और एजुकेशन भी फ्री में मिलनी चाहिए, उसका पैसा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जब तक एजुकेशन निशुल्क नहीं होगी, अनिवार्य नहीं होगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हमने अनिवार्य एजुकेशन और निशुल्क एजुकेशन के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। तो ये पृष्ठभूमि रही है मैडम कि मेरे पिताजी जिस तरह से काम करते थे। और एक एग्जाम्पल और दूंगा मैं छोटा सा, कि उदयपुर शहर में बहुत सारी पहाड़ियां हैं और ऐसी सरकारी जमीन है, उस वक्त लोगों के पास मकान नहीं थे, किराए के मकान थे। तो मेरे पापा के नेतृत्व में उदयपुर शहर में लगभग 25 कच्ची बस्तियां हैं जिसमें हजारों लोग रहते हैं, और उनपे उन्होंने कब्जा कराया, उन्हें पानी और बिजली की व्यवस्थाएं करी, उनके रोड का निर्माण करवाया सरकार से बात करके। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट था कि ये संस्कार हमें मिले हैं, और उसी आधार पे प्रभात का जो निर्माण हुआ है कि एक दिशा देने के लिए, केवल अपने आप को प्राउड फील तो होता ही है पर पूरे समाज को प्राउड फील हो कि हमें इस रास्ते पे जाना चाहिए, और हमारा हेयर ड्रेसिंग का जो काम है बहुत ही सम्मानजनक है, ये समाज को बदलता है, समाज को दिशा देता है और मानसिक और शारीरिक रूप से एक सभी इंसान को साफ सुथरा बनाता है। तो प्रभात सैलून आपने 2016 में शुरू किया था, जो आपका जो चेन है फैमिली न्यूक्लियर फैमिली का, तो इसमें आपने क्या किस दृष्टिकोण से बनाया, एक मॉडर्न सैलून, यूनिसेक्स सैलून एंड स्पा बनाया, और फिर आपका हमेशा जोर रहा है एजुकेशन पे, तो उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ माइलस्टोन्स बताइए। मेरा विचार कभी नहीं था कि मैं सैलून इंडस्ट्री में आऊं। अच्छा। पर मेरा विचार ये था कि मैं समाज के लिए, देश के लिए लगातार मैं काम करता रहूं, युवाओं के लिए काम करूं, जो हमारा पूरा समाज है उनके समाज में परिवर्तन के लिए काम करूं, और ये मैं अभी भी कर रहा हूं।
परंतु कुछ मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा प्रोफेशन है उसको रेस्पेक्ट नहीं है। और उसी दौर में मेरी वाइफ ने, क्योंकि हमारे घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल था, सैलून बहुत बड़ा था पर उसमें इनकम कुछ नहीं थी। इनकम कुछ नहीं का मतलब मैं इस तरह से कहूंगा कि मेरे पापा ज्यादातर हमारे जो कर्मचारी उनके भरोसे पे सैलून को छोड़ते थे और ज्यादा मुनाफा कमाने का विचार नहीं रखते थे। और जो भी पैसा आता था वो सामाजिक कार्यों में लगा देते थे। तो हमारे पास, मेरे पिताजी ने पूंजी नहीं जोड़ी, लाखों लोगों को रोड जमीन पे कब्जा कराया, उनको मकान बनाए, पर हमने एक भी प्लॉट पे कब्जा नहीं किया। आज इसलिए मेरे डैडी की सभी लोग इज्जत करते हैं कि एक भी रुपया भ्रष्टाचार में नहीं खाया और एक भी जमीन पे कब्जा नहीं किया। तो हमारी आर्थिक स्थिति उस वक्त भी खराब थी और आज भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो भी हम कमाते हैं ज्यादातर सामाजिक कार्यों में लगाने की कोशिश करते हैं। जो शोषण की मानसिकता होती वो नहीं है, ये मेरा कहना है। तो इस तरह से इसी पृष्ठभूमि में जब हम काम कर रहे थे तो मेरी वाइफ को, वो एजुकेशन में चली गई, स्कूल्स में पढ़ाती थी, उसपे 300 रुपये महीने के मिलते थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं हमारे सैलून का जो ब्यूटी व्यवसाय है बहुत ही अच्छा है, इसमें जाना चाहिए। उसने छोटे छोटे कोर्स किए और फिर हमने एक बार जावेद सर का, हबीब सर का नाम सुना था। तो हम, मैं दिल्ली पहुंच गया वाइफ को लेकर। जब दिल्ली में गया तो वाइफ को कोर्स शुरू हो गया और उस वक्त मुझे दिल्ली में ही रहना था। तो दिल्ली में रहते रहते जावेद सर से मेरी बात हो रही थी, अरे भाई तुम अभी यहाँ पे हो तो क्यों नहीं ऐसे सीख लो, सीखने में क्या प्रॉब्लम है। और मुझे इंटरेस्ट भी था, मुझे बहुत अच्छा लगता था हेयर ड्रेसिंग करना, तो मैंने खुद ने भी कोर्स कर लिया। जब वाइफ और हम उदयपुर आए तो फिर मैंने जितने भी हमारे हेयर ड्रेसर थे उन सबको बुलाया कि देखो हम जिस तरह से काम कर रहे हैं वो काम करने का तरीका हमारा सही नहीं है, हमने एजुकेशन नहीं ली है। और हमें एजुकेशन लेकर साइंटिफिक वे में मैथमेटिक्स के तरीके से जो कोर्सेज होते हैं वो हमें करने चाहिए और उसी अंदाज में हमें काम करना चाहिए, तभी हमें सम्मान मिलेगा। केवल काम करने से सम्मान नहीं, जब तक हम एजुकेशन लेके काम नहीं करेंगे तब तक हमें रेस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकती। तो एजुकेशन बहुत ही बड़ा पार्ट है। तो मैंने जितने भी हमारे एरिया के लोग थे उनको बुलाया, उनको निशुल्क एजुकेशन देना प्रारंभ कर दिया, उनको आइडियाज देना शुरू कर दिया। तब उनके, लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि वास्तव में ये टेक्निक तो बहुत ही अच्छी है, यदि इस टेक्निक से हम काम करेंगे तो हमारा तो इकोनॉमिक रूप से भी हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और उसके अलावा मानसिक रूप से भी हम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कितने मेंबर्स आपके हेयर और ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन में और एजुकेशन में कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए ये जो काम मैं कर रहा हूँ लगभग 2000 से पहले से, मैं 2000 से काम कर रहा हूँ हेयर ड्रेसिंग में, मैं आ चुका था जी तब से। मैं सोचता हूँ उदयपुर शहर के लगभग 80% सैलून के अंदर मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़ा उन्होंने सीखा है। और उसी दौर में हमने जो महिला ब्यूटिशियंस हैं उनका भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, लेक सिटी ब्यूटी क्लब। और उसी के आधार पर हमने सबसे पहले जावेद सबीब का सैलून पे सेमिनार करवाया था, जबकि जावेद सर बिल्कुल नए नए थे इस इंडस्ट्री के अंदर। तो उनको बुलाकर तो महिला समुदाय में भी, महिला समाज के अंदर भी ये जागरूकता पैदा होगी। तो महिलाएं पुरुष मिलाकर काफी, लगभग यहाँ पे अभी 1000 से ज्यादा सैलून्स हैं। और मेरा टारगेट केवल ये नहीं था कि हम उदयपुर शहर में काम करें, पूरे राजस्थान के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए हमने हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान की भी स्थापना की, जी उस संगठन का भी निर्माण किया। उस निर्माण का जो उद्देश्य हमने रखा था कि हमें संगठित होना है, हमें प्रशिक्षण लेना है और हमें कंपटीशन करना है, प्रतियोगिताओं के अंदर जाना है। जब हम प्रतियोगिताओं में जाएंगे, फेयर रूप से कंपटीशन करेंगे और हम लोग जब अपना भाईचारे को बढ़ाएंगे तभी हम मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इन भावनाओं को लेकर हमने राजस्थान लेवल का संगठन निर्माण कर लिया था। और यही वो दौर था जब संगीता जी चौहान मुझे मिले और उनसे बात हुई, तब जाके हमने नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्लान किया। और वो भी बहुत अलग स्टोरी है, क्योंकि संगीता जी को काफी नॉलेज है, वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहना और एक गांव के एक छोटे शहर में रहना बहुत फर्क पड़ता है।
एक बड़े शहर की जो सुविधाएं होती है और उनकी जो पहुंच होती है उसमें बहुत फर्क होता है। संगीता जी ने ओएमसी का काम देखा था, उनकी ट्रेनिंग्स को देखी थी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स को देखा था। जब संगीता जी से मैं पहली बार क्रोएशिया में मिला था मैट्रिक्स के टूर में, क्रोएशिया में मिला तो हमारी जान पहचान हो गई। मेरे विचार उन्होंने जाने, उनके विचार हमने जाने, तो फिर उन्होंने प्लान बनाया, अशोक ऐसा करते हैं कि पेरिस के अंदर ओएमसी का वर्ल्ड कप हो रहा है तो हमें वहां चलना चाहिए। तो मैंने कहा चलो हम देख के आते क्या हो रहा है, कि हम भी ओएमसी से जुड़ जाते हैं और क्या दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा है, हमें उसको जानना चाहिए। तो मैं, संगीता जी और विजय भारद्वाज, हम लोग पेरिस गए, से मिले थे हम, और नैना करुणा रत्नी जी से मिले थे, उनको आप अच्छी तरह जानते होंगे, बहुत ही अच्छे लीडर हैं और बहुत ही अच्छी एक्सपर्ट है और अच्छी इंसान है। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो यदि आपको ओएमसी से जुड़ना है तो आपको इंडिया में जाकर संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। हम व्यक्तिगत रूप से ओएमसी में किसी को नहीं जोड़ते, हम संगठन को जोड़ते हैं, संगठन की मेंबरशिप होती है। तो पेरिस में ये इसकी पृष्ठभूमि बनी थी, और फिर इंडिया में आके हमने काफी सारी मीटिंग करके और हमने ये सोचा कि नहीं, हमें इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाना चाहिए। और उस वक्त ऐसा दौर नहीं था, हमें कहीं नजर नहीं आ रहा था उस तरह की टेक्निक्स इंडिया में यूज किया जा रहा है। तो ये तो सच में मतलब आप लोगों ने काफी मेहनत की होगी इसके पीछे। बट हम ये आपके सैलून के बारे में जरा सा जानने चाहेंगे कि जो आपका परिवार है सब जुड़े हुए हैं इससे, तो आप एज अ कमांडर इन चीफ कैसे उसको अपने, सब लोग अपने अपने रोल्स करते हैं ये भी जानना जरूरी है। आपने एक बहुत इंडस्ट्री को वर्ल्ड मैप पे डालने में जो आपका रोल रहा है वो तो है ही, बट ये भी जानना चाहेंगे कि एक छोटे शहर में क्या स्ट्रगल्स थे, जरा आप छोटे में बता दे। फिर शीला जी आपको कुछ प्रश्न पत्र, अच्छे प्रश्न लेके बैठी हैं आपके लिए, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये छोटे शहर में उदयपुर में, जो कि बहुत ही सुंदर शहर है और इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आते हैं, बॉलीवुड के बड़े शूट्स होते हैं वहाँ, तो उसमें कुछ बड़े प्लसेस भी हैं। बड़े शहरों में तो सैलून्स खो जाते हैं, लेकिन आप ने जिस तरह का आपका सैलून है वो स्टैंड आउट करता होगा उदयपुर में। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एज अ बिजनेस आप लोग कैसे एक दूसरे, आपके परिवार कैसे एक दूसरे से रोल को बांटते हैं, कैसे बिजनेस को आगे ले जा रहे हैं आज के जमाने में जब प्रॉफिट कमाना जरूरी है यदि बिजनेस को बढ़िया करना है और आगे ले जाना, स्केल अप करना है, तो उसके बारे में अब आपकी राय कैसे थोड़ी मॉडिफाई हुई होगी आपके पिताजी का, जब जैसे रहा था कि सामाजिक पे फोकस था और अभी आपका समाज पे भी है और आपको अपना भी बिजनेस आगे ले जाना, तभी आप कुछ कर भी पाएंगे, तो उसके बारे में भी थोड़ा जल्दी से बताएं। जी, 2005 में मैंने अलग से एक सैलून खोला था, वहां पे हमने सोचा कि सैलून के साथ हमें एकेडमी भी लेके आना चाहिए, तो हमने एकेडमी भी शुरू कर दी जिससे कि पूरे राजस्थान के लोगों को हम एजुकेशन दे पाए। और उसमें, उस एजुकेशन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई वो मेरी वाइफ की तरफ से निभाई गई। मैं तो समाज सेवा करता था, तो मेरी वाइफ का मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला, और आज भी कमांडर मेरे सैलून की और मेरे घर की वही है। आज मुझे भी कुछ निर्णय लेना होता है या मुझे कुछ भी काम करना होता है तो उसी के डायरेक्शन में मैं करता हूँ, तो आज भी सैलून को वही संभाल रही है और उसी की वजह से हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम मेरे सामाजिक कार्यों के अंदर दे देता हूँ। तो वो हमारी कमांडर है, उसके साथ जो बेटी है, जब हमने ओएमसी की ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू की तो बेटी और जो पुष्कर है जो उसके हस्बैंड हैं, तो ये लोग भी उन ट्रेनिंग्स में गए थे, तो उस ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप ही आज उदयपुर शहर बहुत हाईलाइट में आया। कि 2013 में जब ताइवान गए थे तो ताइवान में ब्रॉन्ज मेडल पहली बार इंडिया के लिए हम लड़के जीत के लाए थे, तो उससे पूरे इंडिया में एक माहौल बदल गया और लोगों को लगा कि हमें सीखना चाहिए। तो इसी तरह से हमारी सैलून की यात्रा है कि प्रभात का नाम आज पूरे इंडिया में जाना जाता है, और खास तौर से उदयपुर का नाम इसलिए जाना जाता है कि उदयपुर के जो बच्चे हैं ऐसा काम करते हैं कि उसमें उनको हेयर बाल काटते काटते वो देश का नाम रोशन करते हैं। बिल्कुल,
ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आपने जब कमांडर इन चीफ अपनी पत्नी को बताया, उनको भी इस कॉल पे होना चाहिए था। श्वेताशा तो हैं, बट हम देखते हैं उनको, यदि वो कॉल पे आ सकेंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं अब शीला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपसे प्रश्न पूछे। अशोक जी नमस्ते। नमस्कार मैम। रितु, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन वी हैव टुडे। आज यू नो थोड़ा सा अलग थलग होगा जो हम बात करेंगे। इट विल नॉट बी ऑन द स्टाइल्स एंड ऑल दैट, मोर ऑन हिज वर्क इन द सोशल सेक्टर। आपने काफी काम सोशल सेक्टर पे किया है, और हमारे आप जब भी हमसे बात करते हो, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम समवेयर इन द सैलून एंड वी एंड अप टॉकिंग अबाउट द सोशल, यू नो व्हाट इज नीडेड टू बी चेंज इन द सोशल सेक्टर। तो आपसे हर बार बात करने में मुझे कुछ सीखने ही मिलता है कि आप क्या इंटरेस्टिंग चीज करते हो वहां चेंजेस करने के लिए। तो सबसे पहले आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंगली, इन्होंने ये जेल गए थे, आप जरा आपका जेल यात्रा के बारे में जरा बताइएगा। मैम, जेल तो मैं पुलिस के डंडे मैंने कई बार खाए हैं, वो छात्र आंदोलन में मुझे डंडे मारे गए, मेरे ऊपर कई पुलिस केस भी बने हैं, और उदयपुर शहर में हाई कोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा था, क्योंकि हमारा उदयपुर शहर आदिवासी एरिया से जो पूरा संभाग है आदिवासी एरिया है, और आदिवासी को लोगों को न्याय मिलना चाहिए और सस्ता न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए पूरे उदयपुर के नागरिक आंदोलन में थे और मैं भी आंदोलन में था। तो उस वक्त के जो तात्कालिक शिक्षा मंत्री थे, तो उनके साथ हमारी झड़प हो गई और हम सभी आंदोलनकारी, तो एक्चुअली मैं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए कि हमने उनको काले झंडे दिखाए या उनका विरोध किया काफी, तो मुझे अरेस्ट कर लिया, मुझे 3-4 लोगों को अरेस्ट करके उसी जगह बहुत पिटाई की हमारी और मुझे जेल में डाल दिया। जेल में मतलब पुलिस चौकी पे डाल दिया, और वो करने के बाद मेरे ऊपर कई सारे केस लगा दिए, पुलिस केस लगा दिए गए, शांति भंग के लगा दिए, सरकारी काम में हस्तक्षेप का लगा दिया, मुझे एक तरह से बोल दिया कि तुम हिस्ट्री सीटर हो, इस तरह के केस भी लगा दिए। तो पुलिस की मार कई बार खाई है, पर मार जनता के फेवर में खाई, और वो मार खाने में बहुत मजा आता था। तो इस तरह से पुलिस केस लगे, पर पुलिस केस फिर हट भी गए, फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की जो सरकार आई तो उन्होंने उन केस को वापस ले लिया। उसी तरह से मेरे पापा के ऊपर भी बहुत केस लगे थे, क्योंकि उन्होंने जमीनों पे कब्जे कराए थे और कच्ची बस्तियों का निर्माण कराया था। तो जब हम जनता के लिए मार खाते हैं तो बुरा नहीं लगता है, मजा आता है। और आपको कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले आपको बड़ा मान भी मिला था एक जेल में, जब आप सब गए थे वहां पे, वो भी जरा बताइएगा। वो जब आपने वो बहुत इंटरेस्टिंग काम किया था जेल में, कैंपेन था हमारे उदयपुर के कुछ हेड नर्सेस ने इकट्ठा होकर, हम जेल में गए, हमारी जेल अधीक्षक हमारी जान पहचान की थी, उनका नाम है प्रीता भार्गव जी, उनके सहयोग से हम जेल में रहे पूरा दिन, और जेल में रहने के बाद हमने जितने भी 1300 वहां पे कैदी हैं महिला और पुरुष मिलाकर, उन सबकी हेयर ड्रेसिंग की, और एक अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाया था हमने सभी ने हेयर ड्रेसिंग करके। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जब लास्ट में स्पीच हो रहा था और हमारा स्वागत किया जा रहा था, तो मैंने एक बात कही थी, शायद आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने एक बात कही थी कि जो आज हमने रिकॉर्ड बनाया है, ऐसा रिकॉर्ड कोई तोड़े नहीं और फिर से कभी नहीं बने। उसकी वजह, क्योंकि पूरी दुनिया में जेल होना ही नहीं चाहिए, वो जेल तब नहीं होगा जब हमारा समाज, हमारा सिस्टम में जो ये जो शोषण है वो शोषण समाप्त हो जाएगा, अत्याचार समाप्त हो जाएगा, लोग एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करना छोड़ देंगे, तो हमारा समाज अच्छा हो जाएगा। जब समाज अच्छा हो जाएगा तो जेल भी नहीं रहेगी। आपने एक और बात बहुत अच्छा किया था कि जेल में बैठ के बहुत लोगों ने बहुत यू नो बहुत बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखे, आके उन्होंने बहुत करामात भी की थी, बहुत यू गेव अ लॉट एक्सपीरियंस, यू गेव
example of Gandhi, you gave an example of other people also. So वो बहुत inspiring था और बहुत तालियां पड़ी थी मैंने सुना था आपके वीडियो में. So really it's a very new and nice and novel thing कि जेल वालों के भी लिए आप सोचते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है. और एक आपका एक और पर्यावरण सफाई के ऊपर आपका बहुत जोर रहता है हमेशा, तो आपको ये सोच कहाँ से आई और आप क्यों इतना, मतलब इतना आपका एक चेंज रहता है कि पर्यावरण और यू नो स्पेशली आपके जो बहुत ही ब्यूटीफुल उदयपुर शहर है उसके लिए आपका, तो आप उदयपुर के तो स्टार हो और आप उदयपुर के बारे में बहुत बोलते हो और बहुत प्रेरित करते हो वहाँ के लोगों को कि वो सफाई स्वच्छता और एनवायरनमेंट के तरफ ध्यान दे. ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको लगता है कि ये होना चाहिए? अभी मैं यहाँ पे सेंचुर कलाकार मंडल का अध्यक्ष हूँ, लेक सिटी ब्यूटी क्लब का फाउंडर भी हूँ और 5-6 संगठन में काम करता हूँ. अभी मैं जस्ट रोटरी क्लब पन्ना से भी जुड़ा हूँ, तो रोटरी के बहुत अच्छे काम होते हैं. तो रोटरी के जुड़ने के बाद हमने पर्यावरण के लिए काम किया. उदयपुर शहर के कुछ ऐसे एरिया थे उस पर हमने पौधे लगाए और एक बहुत अच्छा काम ये किया कि कुछ बच्चों ने हमारा सपोर्ट किया था, जो मेरे सैलून के अंदर ही मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने घर पे सीड बॉल्स बनाए. सीड 1,00,000 सीड बॉल्स हमने जंगलों में विसर्जित की. सीड बॉल्स बना के ऐसे टाइम में गए थे जब थोड़ी जमीन के अंदर नमी होती है, उस नमी के कारण जब हम सीड बॉल्स डालेंगे तो धीरे धीरे पौधे बन जाएंगे. तो जंगल में जब एक वन विभाग की बाउंड्री होती है तो वहां पर जंगल को नुकसान नहीं होता है. तो जहां पे कम पेड़ पौधे थे उस ढलान के अंदर हमने बीजारोपण किए, बीज विसर्जित किए थे. तो ये जो कार्यक्रम था हमारा बहुत ही पॉपुलर हुआ. इसके साथ दूसरा एक और कार्यक्रम पॉपुलर हुआ कि हमने हेयर डोनेशन का कैंपेन चलाया पूरे नेशनल वाइज कि कैंसर पेशेंट्स को हेयर डोनेशन दिया जाए. और जबकि ये काम हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो हिंदुस्तान का क्या दुनिया के सभी हेयर ड्रेसर्स अपने सैलून में बैठकर भी समाज सेवा कर सकते हैं. जो भी लॉन्ग हेयर्स कट करने के लिए आते हैं या उनको हम कन्विंस करके और कैंसर पेशेंट्स के लिए हेयर डोनेशन ले सकते हैं. और ये काम हमने मदद फाउंडेशन, मदद चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई, उनके सहयोग से किया. जो आप सावियो सर को जानते हैं, सावियो जी को जानते हैं, सावियो जी भी उससे जुड़े हुए हैं. तो उनसे मेरी बात हुई थी कि सावियो सर मुझे उस ट्रस्ट से बात करा दीजिए, तो उन्होंने बात कराई. तो उससे कनेक्ट होके अभी पूरे इंडिया में केवल थोड़े से दिन में हमने 300 के आसपास डोनेशन ले लिए और वो डोनेशन हमने मदद ट्रस्ट को हमने ट्रांसफर कर दी. और इसके ऊपर हमने एक गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया. हमें आपको जानकर खुशी होगी कि गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड बना जिसमें 44 इंच हेयर डोनेशन एक लड़की ने दिए थे. तो आज और खुशी की बात यह है कि इस कैंपेन के अंदर हर एज ग्रुप के लोगों ने सपोर्ट किया है. और इस कैंपेन के अंदर जो न्यू जनरेशन है वो तो खुलकर सामने आई, उनको बहुत खुशी हुई. मम्मी डैडी को कन्विंस किया उन्होंने, अपने घर वालों को कन्विंस किया, फिर उनको साथ लेके आया कि मैं डोनेशन. तो लंबे लंबे बालों को उन्होंने कटवा दिया. तो ये आज की न्यू जनरेशन को सैल्यूट है कि वो कितना अच्छा सोचती है, हमारी बात को मान लेती है. आप वैसे भी लंबे बाल के लिए आपका ये है कि अभी पीपल शुड कट ऑफ देयर हेयर बिकॉज इट इज वुमेन. बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने आपका सुना था कि रितु दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. He spoke of actually that women getting into you know workforce and all that. वो लंबे बाल रखना, I mean you should not insist on women having long hair. You know कि generally you find that people talking about you know long hair. So he's saying it will give a sense of equality, which I really बहुत अलग सोच है आपका सच कुछ. So that is must appreciate that. और दूसरा आप ये अंधविश्वास के लिए भी बहुत आपने यू नो अंधविश्वास के ऊपर भी आपने बहुत बातें की हैं. तो ये अंधविश्वास के लिए आपका क्या मतलब, व्हाट इज दिस थिंग दैट यू हैव, ये अंधविश्वास के अगेंस्ट में आप इतना सारा बोलते हो?
जी रितु मैम से बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि मेरे पापा जब गांव से आए थे तो अपनी सारी संपत्ति भाइयों को दान दे कर आ गए थे कि मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता हूँ। जब मेरे दादाजी की डेथ हुई थी तो मेरे पापा ने मृत्यु भोज का विरोध किया था और अपने बाल भी नहीं कटाए थे, क्योंकि आज भी काफी लोग मुंडन करवाते हैं। मेरे पापा ने कहा कि यदि बाल कटवाने से मेरे पिताजी की उम्र बढ़ती है तो मैं जीते जी उनके बाल कटवा सकता हूँ, पर उम्र इससे बढ़ेगी नहीं। तो ये संस्कार थे। और मैं और मेरे जो ब्रदर हैं और मेरी सिस्टर है एक, उनकी शादी उन्होंने केवल 1 घंटे में करवाई। ना तो घोड़ा था, बैंड बाजा नहीं था, तलवार नहीं थी, तोरण नहीं था, हमने खाना भी नहीं खाया, हमने दहेज नहीं लिया। और एक 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 कॉस्ट्यूम में, एक ड्रेस के अंदर मैं मेरी वाइफ को अपने घर लेके आया। हमने दहेज प्रथा के खिलाफ बात की, हमने कुप्रथाओं के खिलाफ बात की। और हम जो बात करते हैं वो केवल ऐसा नहीं कि आदर्शवादी बातें करते हैं और आपको करना मैं नहीं करूंगा, पहले सबसे पहले हमने शुरू किया है कि मृत्यु भोज नहीं किया। मेरे पापा की भी डेथ हो गई तो मेरे फैमिली में बाल नहीं कटाए, मेरी मम्मी को हमने एक कोने में बिठा कर रोने के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने हमारे गांव में क्या होता है मैम कि शायद आपको भी पता होगा कि 12 दिन तक, काफी दिनों तक रोते रहते हैं, जब भी कोई उनसे मिलने जाता तो रोते रहते हैं। और कभी कभी ये रोना आर्टिफिशियल हो जाता है, एक मजबूरी में रोना पड़ता है। तो हमने घर में कहा कि कोई रोएगा नहीं, किसी को रोने की जरूरत नहीं है और जो विधवा है उसको प्रताड़ित करने की जरूरत नहीं है। मेरी मम्मी को हम तीसरे दिन ही घर के बाहर लेके चले गए थे कि नहीं, तुम्हें घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन सभी को जाना है, एक दिन हम भी जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली हमें करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने हमारे समाज के लोगों को मैंने कहा कि भाई इतने सालों तक महिलाओं ने बहुत रो लिया, पुरुष क्यों नहीं रोते हैं? क्या दर्द महिलाओं को ही होता है, पुरुष को नहीं होता है? क्या परंपरा है महिलाओं के लिए बनी को घूंघट निकाल के रोती रहे, आप अपने घर में बैठ कर नहीं रो सकते? ये असमानता क्यों है? मेरे पापा ने मेरी वाइफ को शादी करके आई तो उसको बोला तुम चेयर पे मेरे सामने बैठो, घूंघट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये संस्कार मुझे मेरे पापा से मिले और उसको मेरे हमारे भाइयों ने, मेरी सिस्टर ने, सभी ने इन चीजों को फॉलो किया है। और सभी की बगैर दहेज के शादियां की, कोई खर्चा नहीं किया, फिजूल खर्चा नहीं किया। और ये संदेश हम पूरे समाज को देना चाहते हैं कि ये फिजूल खर्ची और अंधविश्वास आपके अंदर होगा यदि, तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ये सामाजिक सुधार का आंदोलन राजा राम मोहन राय ने बंगाल के अंदर चलाया था सती प्रथा के खिलाफ। हमारी राजस्थान की मीराबाई सती प्रथा के खिलाफ फाइट किया था उन्होंने। तो हमें सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए काम करना पड़ेगा। कल मैं बात कर रहा था एक इंटरव्यू में कि यदि हमारे ब्यूटिशियंस, हमारे हेयर एक्सपर्ट यदि सामाजिक सुधार की बातें करें तो अभी भी हमारा जो देश ग्रामीण है, गांव में बसता है, वहां की महिलाओं में जागृति पैदा करें तो हमारे लिए क्लाइंट की कमी नहीं है। बहुमत महिलाएं अभी भी आईब्रोज नहीं बनवाती है, बहुमत महिलाएं अभी वैक्सिंग नहीं करवाती है, तो क्यों नहीं हम उनकी आर्थिक उन्नति की बात करें, उनको जागरूकता लेके आए। जैसे आर्थिक उन्नति होगी तो हमारे सैलून भरे पड़े होंगे, खाली नहीं होंगे। आज हम एक दूसरे फाइट करते रहते हैं कि मेरा क्लाइंट आपके सैलून में आ रहा है, हम एक्स्ट्रा पैकेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं करके आप जनता को जागरूक कीजिए, क्लाइंट अपने आप आपके पास आएगा। तो इस तरह से हमारा सामाजिक सुधार का जो हमारे परिवार में एक परंपरा है, मुझे मेरे पापा से मिली है और मुझे मेरे पापा पे बहुत ही प्राउड है, गर्व है कि तो मुझे ऐसे पिता है जिनको मैं आदर्श मानता हूँ। ऐसा क्या है राजस्थान के धरती पर कि वहां के हेयरड्रेसर जो निकलते हैं सब बहुत सारे सब वो सोशल अफेयर्स पे बहुत बात करते हैं। हरीश भाटिया जी है, श्याम भाटिया जी है, आप जब भी आप लोगों से मेरी बात होती है तो इस तरफ का रुझान होता ही है। एक दूसरा एक मुद्दा था जो आपने उठाया, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं इंडस्ट्री के में ही, एक और बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने उठाया था विच इज ये सेलिंग ऑफ अवार्ड्स, ये अवार्ड्स जो बेचा जाता है, इसके बारे में आपको क्यों ये महसूस हुआ और आपने ये क्यों इस तरफ इस ये मुहिम उठाई? देखिए मैम, जब संगीता जी संगीता मैम के नेतृत्व में हम ओएमसी से जुड़े थे
और हमें पता चला कि कंपटीशन में जाना चाहिए इंडिया को, और इंडिया के युवकों ने काफी अवार्ड जीते। हमारे लता मैम ने अवार्ड जीता, ये कितना प्राउड होता है हमें उनको देख कर, उनको देख के हमें गर्व होता है। लता जी हमें मोटिवेट करती है, आज इस उम्र में भी उन्होंने कहा मैं कंपटीशन में जाऊंगी और अवार्ड लेके आऊंगी। और लता जी ने उस अवार्ड को लेने के लिए कई महीनों तक मेहनत की, हार्ड वर्क किया है। हमारे बच्चों ने कई ट्रेनिंग्स ली है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग ली है और हार्ड वर्क किया है। 5-5, 6 महीने की मेहनत करके वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके अवार्ड लेके आते हैं। इसको कहते हैं कंपटीशन में जाना बगैर किसी भाई भतीजावाद के, भ्रष्टाचार के, अवार्ड लेके आना और अपने आप को स्वाभिमान के रूप में पेश करना और देश के लिए काम करना। दूसरा पहलू ये है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी नहीं, केवल दूसरी जगह भी ये कहा जाता है कि आपको यदि अवार्ड लेना है तो आप 25,000 जमा कराइए, 1,00,000 रुपए दीजिए, आपको फिल्म एक्ट्रेस से अवार्ड दिलाएंगे। मेरे पास कई काफी कॉल्स आते हैं कि आपको माधुरी दीक्षित से, करीना कपूर से अवार्ड देंगे, आपको 1,00,000 रुपया देना है, दुबई में लेना है तो आपको 3,00,000 रुपया देना है। तो और आपको टाइटल क्या चाहिए, आपको बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट चाहिए या आप हिंदुस्तान के बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट चाहते हैं या राजस्थान के बेस्ट हेयर ड्रेसर बनना चाहते हैं, तो पैसे लेके हमें बना देते हैं। तो ये वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली लड़ाई है। यदि इस तरह की गंदगी हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री में फैलेगी, हमारे समाज में फैलेगी, तो न्यू जनरेशन को, हमारे समाज को क्या दिशा मिलेगी? कम पैसा देकर डिग्री खरीद रहे हैं, पैसा देके डॉक्टर बनेंगे, पैसा देके इंजीनियर बनेंगे, पैसा देके बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनेंगे, तो हम क्या समाज का भला करेंगे? तो ये हमारी एक लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें सबको मिलकर लड़ने की आवश्यकता है। एक आपने तो स्टूडेंट एग्रीटेशन से सब आप और एक सोशल इश्यूज उठाने से आप तो आप यू नो यू ऑलवेज पुट ऑलरेडी पुट फॉरवर्ड इनटू पॉलिटिक्स, सो वेयर इज योर नेक्स्ट, आर यू गेटिंग टू पॉलिटिक्स और व्हाट? आपने वो सब है जो एक यू नो द कंट्री रियली नीड्स पीपल लाइक यू, तो उस तरह आप देखेंगे तो आप में वो सब है जो एक अच्छे पॉलिटिशियन में होना चाहिए। तो क्या आपको उस तरह का रुझान है या आप सिर्फ सोशल वर्क करके यू नो आगे देना? 1980 से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और पॉलिटिक्स भी करने की कोशिश की है, पर बहुमत पॉलिटिशियन, जब मैं एक बार इलेक्शन फाइट किया था मैंने, तो मैंने बहुत सारा काम किया फिर भी मुझे वोट नहीं मिले। मुझे पता चल गया कि वोट जाति धर्म क्षेत्र के नारे देकर लिए जाते हैं, वोट शराब पिला के लिए जाते हैं, वोट पैसे से खरीदे जाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम में, इस तरह की राजनीति जो है वो बहुत ही अच्छी राजनीति नहीं है। राजनीति तब तक साफ सुथरा नहीं होगा जब तक ईमानदारी से हम अपने नेता का चयन नहीं करेंगे, स्वार्थ को लेकर चयन करेंगे, तो देश आगे कभी नहीं बढ़ सकता है। राष्ट्रीय आंदोलन में हमें 200 बरस लगे, राजाओं के राज को खत्म करने में और अंग्रेजों को भगाने में 200 बरस लगे। उन शहीदों को हमें याद करना चाहिए तो उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है, और आज जब हम शराब पिलाकर पैसे देके वोट ले लेते हैं तो इस तरह की पॉलिटिक्स में जो ईमानदार पॉलिटिशियन है वो टिक नहीं पाता। यदि आज मैं ईमानदारी से काम करता हूं तो मुझे सिस्टम भ्रष्ट बना देगा। मैं कितना भी ईमानदार रहने की कोशिश करूं, जो हमारा सिस्टम है हमें भ्रष्ट बना देता है। जब मैं मेरे सैलून में काम करता हूं तो कोई भी अधिकारी आकर मेरे काम के अंदर कमी निकाल सकता है। आज की परिस्थिति में आप देख लीजिए कि जब हम हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अब महामारी फैल रही है, कभी कोई भी अधिकारी आपको आके बोल सकता है देखो तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें सैनिटाइजर नहीं लगाया, कटिंग क्लॉथ में ऐसा कर दिया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे सैलून को बंद किया जाता है। तो इस तरह का जो राज है, इस तरह का जो भ्रष्टाचार से ग्रसित समाज और सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ भी हम सबको लड़ना पड़ेगा। उस सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। पॉलिटिक्स में मैं इसलिए नहीं गया, मैंने सोचा चलो समाज सेवा करते हैं, पॉलिटिक्स मुझे रास नहीं आएगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट नहीं ले सकता। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी हम अभी कहते हैं ना कि हम सब एक हैं, पर एक नहीं है मैम, रियलिटी में एक नहीं है। हमें हमारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं सभी के, हमारे अपने अपने खेमे हैं, अपना अपना वर्ग है,
मैं बड़ा सैलून हूँ, मैं छोटा सैलून हूँ, ये छोटी जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं, तो इस धर्म के लोग हमारे संगठन में नहीं होने चाहिए, इस जाति के लोग नहीं होने चाहिए, हम नाइयों के बारे में बार्बर के बारे में बातें क्यों करें, हम बड़े सैलून वाले हैं, हमारी समस्याएं अलग है। आज कोई भी बंदा ये बात नहीं उठा रहा है कि गरीब को राहत मिले, गरीब को पैसा मिले, ये बात मुझे सुने ही नहीं दे रही। मैं बार बार उठाता हूँ, कोई भी मेरे उस पर थम अप नहीं करता है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो कि गरीबों को सहायता मिलनी चाहिए, ये प्रॉब्लम। ये थम्स अप देने में भी लोगों को डर लगता है आजकल। बिल्कुल, सवाल करने की हिम्मत नहीं रही है सत्ता से, सवाल करने की हिम्मत किसी की भी नहीं है, और ये हिम्मत होनी चाहिए। यदि हम सरकार से भीख मांगते रहेंगे तो भीख कभी नहीं मिलती है, भीख में तो झुकना ही पड़ता है। हमें अधिकार है हमारा, हम देश के नागरिक हैं, हम सरकार बनाते हैं, तो हमारा अधिकार है कि सरकार हमारा काम करे। आपको हमने बनाया, हमें हमारा सैलून में आपने कोई सपोर्ट नहीं किया है, हमने अपने आप को डेवलप किया है, पर सरकार को हमने बनाया। वेरी नाइस अशोक जी, आपसे बात करके यू नो इतना कुछ वी गेट सो मच ऑफ मोटिवेशन टू डू गुड थिंग्स, टू ब्रिंग गुड पीपल, यू नो गिव अ प्लेटफॉर्म टू गुड पीपल। रितु, आई थिंक वी शुड बी सर्चिंग सच पीपल एंड गेटिंग देम ऑन आवर शो ऑल्सो एंड एडिंग टू दिस। थैंक यू सो मच रितु, आई थिंक यू कैन टेक ओवर। थैंक यू शीला जी, इन बातों से काफी प्रेरणा मिलती है आपकी बातों से अशोक जी, कि आप इतने डीपली सोचते हैं। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि अब अगला सैलून कहाँ बनाए और अगला प्रॉफिट कैसे बनाए, बट आप सामाजिक कुरीतियों के बारे में सोचते हैं, उनके अगेंस्ट मुहिम चलाते हैं। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है हमारे लिए, और ऐसे मुझे लगता है आप जैसे लोग यदि इंडस्ट्री में और हों तो, और सच में शीला जी ने ठीक कहा कि यदि आप लोग लीडर मतलब इलेक्शन लड़ें और ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जाएं तो हमारे इंडस्ट्री का एक अलग ही रिप्रेजेंटेशन होगा। और ये जो अभी हम मतलब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री में, क्योंकि हम अभी बहुत अच्छे से जुड़े हुए नहीं हैं, एक आप ठीक कह रहे हैं कि कोई मॉडर्न सैलून है तो कह रहे हैं भाई बाबा के साथ हमारा क्या काम है, एक्चुअली सब एक ही हैं। यदि ये एक समाज है हम लोग, और हम सब यदि आपस में सहयोग करें तो कुछ 2.5 करोड़ हम लोगों ने नंबर एक दिन ऐसे कुछ वो कर रहे थे, तो हमने सर 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं हमारी इंडस्ट्री से, लेकिन क्योंकि इतने डिवाइडेड हैं कि कुछ पता नहीं चलता है कि यू नो एक है या सब अपने अपने उसमें लगे रहते हैं, रमे रहते हैं। लेकिन एक कोविड का आ गया हमारे बीच और हमें अब मजबूर कर रहा है ये सोचने के लिए इंडस्ट्री की तरह कि भाई गवर्नमेंट बोले कि अच्छा आप 500 लोग हैं हमारा, आपसे कोई क्यों आ रहे हैं हमारे पास। एमएसएमई बोलेगी कि भाई अच्छा कुछ 1000 ही लोग हैं, बट जब तक कि ये जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ है यदि हम एक होके नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट भी आपको रिकग्नाइज नहीं करेगी। अब ये बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, तो पहले मैं जानना चाहूंगी कि कोविड की लड़ाई आप कैसे लड़ रहे हैं। और इस पॉइंट पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्वेताशा को कि वो चूंकि कॉल पे हैं। हेलो, हाय हाय, वेलकम, हाय हाय मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी 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 बढ़िया, बिल्कुल मैम। मेरा प्रश्न है अशोक जी, आप पहले लें और फिर श्वेताशा उसमें जो ऐड करना चाहें कर सकती हैं, कि कोविड की लड़ाई आप कैसे लड़ रहे हैं इसके बारे में बताइए। देखिए, कोविड महामारी बहुत ही खतरनाक है, परंतु इसके सबक भी हैं, इससे हमें सीखने को मिल रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि पूरी दुनिया में हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। और ऐसे मौके पर हमारा जो भारत का ब्यूटी उद्योग है एकजुट हो चुका है, एक साथ आ चुका है और एक होके काम कर रहा है। और अभी काफी सारे ग्रुप बनना शुरू हो गए हैं, लोगों ने समझना शुरू कर दिया है कि हमें संगठित होना चाहिए। तो जितने भी आज संगठन जो जागरूकता आई है हमारे अंदर, हमें खुशी होती है। और BWSSC ने जो निर्णय लिए हैं, जो हमें गाइडेंस दिया है, उस गाइडेंस को लेकर ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन, HBO, लेक सिटी ब्यूटी क्लब, जितने भी बार बार एसोसिएशन है, वो सभी मिलकर
मैं केवल राजस्थान का भी आपको एग्जाम्पल दूं या मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दूं, तो छोटे से छोटे सैलून के ऊपर, ब्यूटी पार्लर्स के ऊपर उन लोगों ने एग्जाम देकर सर्टिफिकेट ले लिया है और उस सर्टिफिकेट को उन्होंने फ्रेम करा कर अपने सैलून में लगाया है। केवल उन्होंने सर्टिफिकेट इसलिए नहीं लिया कि उनको सर्टिफिकेट चाहिए, हमने उन्हें कहा कि तुम्हें इसको, इस जो रूल्स रेगुलेशन है उनको समझना है, उसको फॉलो करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैम ये आती है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से डिस्पोजेबल जो उनको यूज करना चाहिए या फिर उनकी जो श्रम की जो कीमत है वो बहुत ही कम है। आपने सुना होगा कि अभी काफी लोग बोल रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, या किसी ने अपने सीने में सीजर को डाल दिया है, कोई जल समाधि लेना चाहता है, कोई आत्मदाह करना चाहता है, तो किसी को मजा नहीं आता ऐसा करने में, उनकी मजबूरियां हैं। इतना देश और हमारी इंडस्ट्री इतना आर्थिक संकट के अंदर है कि लोग आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं और परेशान हो गए। हम जैसे लोग बड़े बड़े सैलून जो चलाते हैं उनकी भी बहुत बड़ी समस्या है, तो मिडिल क्लास और छोटे सैलून की समस्याओं को हमें गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को राहत देनी पड़ेगी। जब अमरीकी सरकार $1,200 प्रति व्यक्ति कोविड के नाम से दे सकती है तो हमारी सरकार क्यों नहीं दे सकती है? हमारी सरकार को भी आगे आना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें पैसा देना चाहिए जो परेशानी से गुजर रहे हैं, तभी जाकर समस्या का समाधान होगा। हमें अभी जो हमारे सैलून वालों की जो रेट्स हैं उस रेट्स में उनका पूरा भरण पोषण नहीं हो सकता है। अभी हमने तालाबंदी के बाद जब सैलून खोला था तो 2 दिन थोड़ा अच्छा काम था, अभी हम जहां भी बात करते हैं क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे, कहीं पे डर है और कहीं पे आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं। तो इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, परंतु हमारी कोशिश है, पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री की कोशिश है, हम सब मिलकर ये जो स्वच्छता का और साफ सुथरे सैलून बनाने का जो निर्णय हमारी BWSSC ने लिया है, हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, यह बहुत ही बड़ा अभियान है और स्वागत योग्य अभियान है। उसके लिए हम सब मिलकर, हमारा कार्यकर्ता सभी मिलकर हर गांव तक जा रहे हैं, हर गली तक जा रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ₹1200 ही दे दें, $1200 तो नहीं, तो ₹1200 भी दे दें तो बात होगी, सरकार बहुत लोगों के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो श्वेताशा आप क्या कहना चाहेंगी, व्हाट इज इट दैट एज अ न्यू जनरेशन आप कि क्या लगता है इस सिचुएशन में कैसे, और आप व्हाट काइंड, आई मीन यू हैव अ स्टोरी जो कि यू नो यू हैव इनहेरिटेड सच इंस्पायरिंग पीपल यू नो योर ग्रैंडफादर एंड आपके पिताजी, तो आप इसको कैसे आगे ले जा रही हैं और कोविड के टाइम में आपका क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए? मैम सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड शीला जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द जूम मीटिंग। एंड वैसे तो बहुत कुछ बता दिया है पापा ने कि हमें क्या क्या करना चाहिए, बट स्टिल वी शुड फोकस मोर ऑन एजुकेटिंग पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस के हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना जरूरी है। एटलीस्ट जो बेसिक नीड्स हैं दैट दे शुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे शुड प्रोटेक्ट देयर क्लाइंट्स। अगर हम छोटी सी चीज भी बता देंगे, हैंड वॉशिंग करना है, तो इससे भी हम जो COVID-19 है उसे हम कई लगता मतलब कई गुना फाइट कर सकते हैं। बिकॉज जैसा कि पापा ने बताया था कि बहुत सारे छोटे इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियली लो सैलून्स भी हैं जिनके पास सारी सुख सुविधा नहीं होती है, बट स्टिल अगर छोटे से प्रिकॉशंस भी लेते हैं, इसी की वजह से पापा ने कैंपेन भी स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग मास्क टू फाइनेंशियली इकोनॉमिकली लो हेयर ड्रेसर्स एज वेल एज द शॉपकीपर्स जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हम उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि एटलीस्ट एक छोटा सा हमारी तरफ से एक हेल्प हो जाए उनके लिए। सो दैट थिंग स्पेशली एजुकेटिंग, और हम एजुकेशन फैला रहे हैं विद जूम मीटिंग्स एंड आईबा इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब इसमें, कि जब सबसे पहली जो जूम मीटिंग हुई थी अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट कि किस तरह से आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, कैसे आपको काम करना है सलून में, तो सबसे पहले आईबा ने जूम मीटिंग की थी, एंड देन
केम द BWSSC और उन सब की गाइडलाइंस आई थी एंड स्टिल वी आर इन प्रोसेस, वो प्रोसेस में चल ही रहा है बिकॉज जितना हम एजुकेशन बांटते जाएंगे उतना एजुकेशन बढ़ता जाएगा. एजुकेटिंग वन पर्सन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग और वो कंटिन्यूटी में चलेगा बिकॉज कोविड इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर राइट नाउ, वो रहेगा. तो अशोक जी आपको क्या लगता है कि आगे आगे जनरेशन से आप की क्या एक्सपेक्टेशन है? और मैं शीला जी कुछ बोलने वाली हैं तो आप ये उत्तर दीजिए, फिर शीला जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं. लेकिन न्यू जनरेशन को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उनके लिए प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया हुआ है और उनके जीवन में संघर्ष कम है. जब तक न्यू जनरेशन के लिए सामने स्ट्रगल बहुत ही कम है अभी, तो जहां स्ट्रगल नहीं होता है तो वो अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं. न्यू जनरेशन को अपने आप को हीरो नहीं समझना चाहिए, एक आम इंसान समझ के काम करना चाहिए और जमीन पे रह के काम करना चाहिए. आज हम आप जितने भी देखेंगे लोगों को, जितने भी पुराने हेडर्सर्स हैं, उन्होंने काफी स्ट्रगल किए, पर उनकी जो जनरेशन है उनको पका पकाया सब कुछ मिला है, तो वो उसकी वैल्यू नहीं समझते. उनमें एक हीरोइज्म आ जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स हैं समाज में, अमिताभ बच्चन आएंगे और उसको ठीक कर देंगे. परंतु रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, फिल्मों में ऐसा होता है. तो इसलिए सामूहिकता को महसूस करें, संगठित होने की कोशिश करें, अपने आप को हीरो ना समझे, पूरे समाज को, पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री को हीरो समझे. आप सब मिलके हीरो बन सकते हैं, तभी समाज आगे बढ़ेगा. तो न्यू जनरेशन की प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आती है कि वो अपने व्यक्तिवादी रुझान की तरफ हैं, अपनी दिशा खुद तय करता है, साथ लेके चलने की कोशिश नहीं करता है. समझदार जरूर है, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, काम बहुत अच्छा करते हैं, हमसे अच्छा काम न्यू जनरेशन करती है, परंतु जो मानसिक और समाज को समझना है, देश को समझना है और जो रेस्पेक्ट देने की बात होनी चाहिए, उसमें मुझे लगता है कि आज जो गुरु की इज्जत होनी चाहिए उतना इज्जत आज नहीं होती जो पहले हुआ करती थी. आज उनके सामने 10 गुरु होते हैं और 10 को वो बाईपास कर देते हैं. अब वो कहने लग जाते हैं मैं सबसे बड़ा गुरु, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है. और आज ये भी ट्रेंड चल चुका है मैम कि आप देखेंगे कि सभी लोग कहते हैं मैं इंटरनेशनल हेयर एक्सपर्ट. यदि वो विदेश में यात्रा करके आएगा तो बोलने शुरू कर देगा कि मैं इंटरनेशनल हो गया. परंतु ये टेग लगाना गलत बात है, टेग तो जनता देती है. जी सही बात, टेग हमें प्रशासन देता है. पर आजकल खुद ही तारीफ करना जरूरी हो गया लोगों को, तो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं. ये मैं की जो आदत है हम के अंदर कन्वर्ट नहीं होती. हम बोलना जरूरी है, मैं बोलना जरूरी नहीं. आज मैं बोलूंगा आईबा मेरी वजह से, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि आईबा में हजारों लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, उनकी वजह से मैं, मेरी वजह से वो नहीं. बिल्कुल सही, ये आई एंड वी वाला मामला तो अब कोविड जबरदस्ती ला रहा है एक तरह से. ये एक बहुत अच्छी बात भी है मेरे ख्याल से. इस बहुत ही चैलेंजिंग दौर में है हम लोग, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो इमर्ज कर रहा है कि सब लोग अब कह रहे हैं कि हाँ हाँ हम ये हम ही थोड़ी हैं, हमारे साथ तो इतने करोड़ समाज हैं जो कि कितने सालों से काम कर रहे हैं. तो इस बात का जो रिकग्निशन मिल रहा है वो भी बहुत बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए. शीला जी वॉन्टेड टू से समथिंग. दिस इज फॉर श्वेता शाह. श्वेता शाह जस्ट वॉन्टेड टू नो, अनम्यूट योर स्क्रीन. I just wanted to know whether, that now in the salon, now that you have opened up, have you increased your rates for services, keeping in view the kind of, facility you have to give for safety and hygiene for your customer? Have you increased your rates? And if you haven't, why? And if you have, how is the client taking it? नहीं मैम, हमने कुछ भी increase नहीं किया है किसी भी salon prices में. Because when we think about ourselves and we think about our country also and people also, unki bhi hamari jaisi halat hai aaj. We are all same. We are all on the same platform. So agar hum increase kar denge, then we are losing our clients. So I don't think ki we should increase our prices. Hum unko trust build up karna zaruri hai, first of all. Kyunki client aata hai, sabse pehle mujhse yehi poochta hai,
कि आपके सलोन में प्रॉपरली सैनिटाइजेशन है, प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन है, तभी मैं सर्विस लूंगी या लूंगा. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी, एंड देन आई थिंक कम्स द इकोनॉमिक पार्ट फॉर अस, क्योंकि क्लाइंट का फेथ बिल्डअप करना, ट्रस्ट बिल्डअप करना खुद के लिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें और ज्यादा वो इम्पोर्टेंस रखने लग गया है, क्योंकि पैसा आ जाएगा, आई थिंक मनी विल कम, बट अगर फेथ एक बार चला जाता है देन इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन. सो वी नॉट इंक्रीज एनी प्राइजेस, बट वी आर वर्किंग मोर एंड मोर ऑन सेफ्टी एंड हाइजीन राइट नाउ ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड ऑफ आवर सोसाइटी. Okay, there's also one way of looking at it. When you look at small salons and you have these very basic services, people come for like waxing, threading, you know, in which you don't really have great margins. Okay, your margins are more on the higher services, like your maybe not even coloring, I would say more in terms of your hair spas and things like that, you know, your straightenings and various things. So for a salon, a small salon, to offer all that in terms of safety and not increase cost, how can we survive? Ma'am, I think jo basic protection need hai wo hai ki aap apna mask ko protect kijiye, apne aap ko protect kijiye, uske liye mask important hai. Sabse jo basic cheez hai wo hai mask, kyunki jab hamare clients mein bhi doctors aate hain, they used to say ki agar aapne apne chehre ko protect kiya hai, and if you are not using your hands here and there or on your face, then you are protecting yourself. With me, मतलब 100% हम कोशिश करते हैं कि ये चीज ना करें. तो जो छोटे सलॉन्स हैं या जो मीडियम क्लास सलॉन्स हैं, जो इतना कुछ एफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बोलूंगी कि एटलीस्ट जो मास्क है, या अगर आपके पास मास्क भी नहीं है, then we have some clothes, we can make it at home also. That's very cheaper. और वो कर सकते हैं, and then protect your hands. ये दोनों चीजें भी हो जाएगी, देन स्टिल वी आर डूइंग मच मोर हमारे क्लाइंट्स के लिए और हमारे लिए. क्योंकि अगर एंड इट्स देयर पर्सनल चॉइस मैम, जहां तक मुझे लगता है कि हर एक सलोन ओनर का अपना पर्सनल चॉइस होता है वेदर टू इंक्रीज देयर प्राइस और नॉट. इट्स नॉट कि नहीं हम सबको ही करना है या इनको नहीं करना चाहिए, इनको करना चाहिए, बट ये हमारी पर्सनल चॉइस थी कि हमें हमारा प्राइस इंक्रीज नहीं करना है. बट इफ अ पर्सन थिंक्स कि नहीं उनका कॉस्ट उससे नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो दे कैन इंक्रीज देयर प्राइसेस, एंड मोस्ट ऑफ देम हैज डन इट, बहुत सारे लोगों ने किया है. सो आई थिंक ये सबका अपना अपना पर्सनल व्यू है. यस, सो हाउ यू डील विद, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल, दे हैव इंक्रीज देयर प्राइसेस. सो जी तो अशोक जी, आपको यदि फ्यूचर सैलून का एक मॉडल बनाया जाए कि पोस्ट कोविड या सैलून ऐसा होगा, सर्विसेज ऐसी होंगी, एजुकेशन ऐसे होना चाहिए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप एक उत्तर दें, फिर मैं श्वेताचा से भी पूछूंगी. देखिए, अभी मैंने एक 6000 स्क्वायर फीट का सैलून बनाया, उस वक्त मैं बहुत खुश था. जब अभी जब ओपन हुआ तो मैंने जाके देखा, तो मैंने सोचा कि मैंने एक हाथी को पाल लिया है. इतना बड़ा खर्चा, अब हमें बड़े सैलून की तरफ नहीं जाना चाहिए, बड़े सैलून की तरफ नहीं जाना चाहिए, और छोटे सैलून खोलकर भी उसमें काफी सुविधाएं देनी चाहिए. लोगों का सोच होता है कि जैसे पहले कहते थे राजा, जिस राजा के पास 100 घोड़े हैं, 1000 घोड़े, बहुत बड़ा राजा होता था. और आज हमारा भी कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे 100 चेयर्स हैं, इतने सैलून हैं, तो हम बड़े हैं. पर उससे कॉन्सेप्ट से निकल कर हमें जाना चाहिए छोटे सैलून्स के अंदर, जिसमें काफी अच्छी तरह सुविधाएं हों, हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कस्टमर को ज्यादा सुविधाएं दे पाए, उनकी सुरक्षा कर पाए, उसकी जिंदगी को बचा पाए और अपने आप को भी बचा पाए. और एकेडमी की जहाँ बात है, हम एकेडमी भी हमें ऑनलाइन की तरफ भी हमें जाना पड़ेगा, ऑनलाइन की तरफ भी जाना पड़ेगा. और जब हम एकेडमी में बुलाते हैं तो हमें जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा. पर जहां तक हम इंडिया की बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक अलग लेवल है, पर जनता की जो मानसिकता है वो अलग लेवल पर है. उसकी वजह अशिक्षा, अंधविश्वास और गरीबी. तो हम जो सोचेंगे वो नहीं होगा, ये गारंटी से मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है.
हम जो सोच रहे वो नहीं हो रहा है। यदि हम आज ये सोच रहे हो कि सभी जगह पे मास्क लगा कर सैनिटाइज किया जा रहा है तो बहुत बड़ी गलती है। कोई भी कभी दावा ना करे कि पूरे इंडिया के सैलून में ऐसा हम जो कह रहे हैं वो हो रहा है, वो नहीं हो रहा है और हो भी नहीं सकता। उसकी वजह एक हमारा जो बुनियादी बैकग्राउंड है देश का, उसको हमें समझना पड़ेगा, उसको समझ के ही हमें बोलना चाहिए। कुछ सैलून हमें दिखाई देते हैं बड़े सिटी में, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग तो पीपीई किट पहन के काम करना शुरू कर दिया, इतना पूरे इंडिया को कंफ्यूज कर दिया उन्होंने कि उन्होंने, और सभी लोगों को फोटो डाल रहे हैं सब सोशल मीडिया पे, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं हमें ऐसे काम करना है, ऐसे कैसे कर पाएंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, या तो ये तो सोशल मीडिया का दौर है, इंडिया में तो जितना फेक न्यूज आती है वैसी कहीं नहीं आती। जहाँ तक ये है कि जैसा कि पापा ने बताया था कि बड़े सैलून्स नहीं होने चाहिए, सो आई एम एग्रीइंग विद हिम बिकॉज यस व्हेन वी हैड ओपन द सैलून तो बहुत कुछ रोज की सफाई एंड एवरीथिंग वी हैव टू कीप ऑन टोज, लाइक हर एक स्टाफ को वी हैव गिवन ऑल दिस थिंग्स कि नहीं यू हैव टू क्लीन दिस यू हैव टू क्लीन दैट एंड दे हैव टू डू इट अगेन लाइक दो से तीन बार करना ही है दिन में। सो आई ऑल्सो थिंक कि हाँ बड़े सैलून्स अभी नहीं होने चाहिए मोर इन ट्रेंड्स, वी शुड वर्क ऑन मोर स्मॉल बट दे शुड बी इक्विप्ड विद ऑल द टूल्स एंड एवरीथिंग ताकि मतलब एज अ पर्सन की जैसे इकोनॉमिक भी लो जा रही है तो उसी चीज को सोचते हुए हमें इस तरफ ही जाना चाहिए ज्यादा। सो आई ऑल्सो एग्री हिम ऑन दैट कि हमें छोटे सैलून्स की तरफ ही जाना चाहिए ज्यादा मोर देन फोकसिंग ऑन बिग ब्रांड्स एंड उससे हमारा बहुत सारा हेल्प भी हो जाएगा बिकॉज इकोनॉमिक अभी बहुत गिर चुकी है कंट्री की, सो वी शुड वर्क ऑन दैट मोर। ओके आपने इंटरनेशनली भी नाम कमाया अभी जो आप स्किल इंडिया स्किल उसमें आप वर्ल्ड स्किल्स में गई थी आप मैं वर्ल्ड स्किल्स में नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, ही वाज द ट्रेनर एंड इंटरप्रेटर देयर। जब प्रदीप वैद ने जीता था वहां पर अवार्ड, ही वॉन अ मेडलियन फॉर इंडिया इन हेयर ड्रेसिंग कैटेगरी, सो ही वाज द ट्रेनर एंड इंटरप्रेटर देयर जब ब्राजील में हुआ था साओ पाउलो में। इस डायरेक्शन में भी आपके पिताजी ने और माता जी ने बहुत काम किया है, तो आपका क्या इरादा है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहेंगी, ट्रेनिंग या द बिजनेस इन इटसेल्फ, व्हाट इज योर व्हाट आपको क्या लग रहा है, आपका क्या यूएसपी है, आपको क्या पसंद आ रहा है एज अ जनरेशन नेक्स्ट, आपके पास सब कुछ है ऑप्शन ये ए बी सी या सारा कुछ करना चाहेंगे। मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा सोचती नहीं हूँ एक्चुअली मेरा मेन फोकस रहता है काम पर, लाइक हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर वर्क क्वालिटी एंड मोर ऑन टीचिंग, सो टीच करना बच्चों को पढ़ाना अकेडमी में और साथ ही में एजुकेशन देना बच्चों को और काम करना सलोन में एंड हाउ टू इम्प्रूव वर्क ऑफ हाउ टू इम्प्रूव आवर स्किल एंड देन ऑन कॉम्पिटिशन। तो मेरा फोकस यहाँ रहता है बिकॉज वन पर्सन कैन आई थिंक अगर एक पर्सन एक ही चीज पे फोकस करता है तो ही कैन डू इट अ लॉट मोर इन दैट थिंग, और जब हमारे फैमिली मेंबर सब साथ में हैं सो वी गेट अ सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन एंड वी हैव डिवाइडेड लाइक कि हाँ जैसे अगर जैसे पापा ने बताया था कि मम्मा सैलून देखती है लाइक शी मैनेजेस एवरीथिंग सो इट्स हर फोर्टे एंड शी कैन डू इट वेरी नाइसली, बट इट्स नॉट माई फोर्टे, माई फोर्टे इज ऑलवेज वर्किंग and on education and competing, so I do it like mujhe zyada interest hai us cheezon mein and my husband is also in like management and salon thing, so it's like we have divided everything so that we can each and every person can focus on their sectors. Very good. To aapko kaun hairdressers inspire karte hain aapke pitaji ke alawa? See, there's only one person, he's Vidal Sassoon. Okay. And like he's the godfather of hairdressing industry. Yeah. So his
उनका जो काम है, उनका जो काम करने का टेक्निक था, लाइक मैंने उनको कभी देखा नहीं फेस टू फेस, बट मैंने उनके इंस्टीट्यूट से किया हुआ, आईड बीन डन माय कोर्सेस फ्रॉम विडाल ससून. तो जो काम करने का तरीका है, हर प्रिसिशन से काम करना होता है, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है जब आप क्लाइंट्स के ऊपर भी काम करते हैं, बिकॉज क्लाइंट्स ऑलवेज वॉन्ट अ नाइस गुड थिंग जिसको वो घर पे भी जाके कैरी कर सके अच्छे से. सो उनकी टेक्निक्स बहुत अच्छी लगती है मुझे, और उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे हैकर्स भी इन्वेंट किए थे, लाइक अ बॉब, अ ग्रेजुएटेड बॉब. तो ही इज माई इंस्पिरेशन आफ्टर माई डैड. तो वाइंड अप करने से पहले अशोक जी, ये मैं जानना चाहूंगी कि अगला आपका स्टेप क्या है. अभी तो बहुत वेट एंड वॉच चल रहा है, अभी कोविड कहीं गया नहीं है हिंदुस्तान में, बल्कि बढ़ ही रहा है. वहां पे उदयपुर में क्या सिचुएशन है अभी, क्या बढ़ रहा है या कर्व फ्लैटन हो गया है, कैसा चल रहा है वहाँ? अभी उदयपुर में कम हुआ है जी. सैलून कुछ एक छोटे से एरिया के अभी नहीं खुले हैं, बाकी पूरा खुल चुका है. और सैलून्स पे ज्यादा काम नहीं है. और अभी हमने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए थे सभी लोगों को. जो दिशा जी बॉम्बे से हैं, उन्होंने भी मास्क डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें थोड़ा हेल्प करने का कोशिश किया है. और उसके अलावा मेरी आशा हरिहरन मैम से बात हुई थी, और शीला मैम से भी बात हुई. तो वो जो भी प्लान कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई कि इस तरह के प्लान, क्योंकि देखिए हम ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी कोशिश करके कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हैं. तो एक ये कोशिश है. दूसरी कोशिश हमारी है कि पूरे इंडिया के जितने भी ब्यूटी उद्योग है उसको मोबिलाइज करके सरकार के ऊपर कुछ, सरकार से बात की जाए, सरकार तक हमारी आवाज को पहुंचाया जाए कि अभी भी राहत की जरूरत है. लोग अपने घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, सैलून का किराया नहीं दे पा रहे हैं, अपनी ईएमआई जो है उसको वो नहीं दे पा रहे हैं, उनके ऊपर कर्जा बहुत है, अभी खर्चा बढ़ गया है और काम भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर बहुमत लोग जब इस आर्थिक संकट के अंदर हैं तो केवल अपनी बुनियादी जो आवश्यकता है, बुनियादी सर्विस है, उसी को पूरा करने के लिए आएंगे. एडवांस जो भी काम है वो उसके लिए वो हमारे सैलून में नहीं आएगा. कुछ लोग तो हमें फोन करते हैं कि आप घर के अंदर आ जाइए, क्योंकि घर पे जाने वाले सस्ते में काम करते हैं. अभी बहुमत लोगों ने सस्ते में काम किया है तो फिर वो हमारे सैलून की तरफ क्यों आएंगे, जो करोड़ों रुपए लगा के बैठे हैं, तो उनका काम कैसे चलेगा. तो समस्याएं बहुत सारी, थोड़ा सा हमें ब्यूटी इंडस्ट्री को सीरियस होने की आवश्यकता है. और पॉलिटिकल लीडर को फिर से मैं कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल लीडर से हमें बात करके उनके सामने गुजारिश या भीख जैसी अंदाज में बात नहीं करनी है, उनको धमकाना पड़ेगा. तो धमका तब पाएंगे हम, उनको चुनौती तब दे पाएंगे जब हम ताकतवर होंगे. उनको पता है ये लोग असंगठित हैं, कुछ नहीं कर सकते. जिस तरह से असंगठित मजदूर रोड पे जा रहे थे, लाखों लोग, और काफी लोग मर चुके थे, उसी तरह से हमारी पोजीशन भी है. हम कभी एक होना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, फिर भी ये जो एक महामारी आई है इसमें हमें एक मौका मिला है. यदि मैम यदि ये मौका चला गया ना, हमारी एकता नहीं बन पाई, तो लाइफ में ब्यूटी उद्योग कभी एक नहीं हो पाएगा. हमारे सभी के ईगोज है, हमारा बड़ा छोटा होना, इन सब को छोड़कर हमें एक मंच पे आके सरकार से फाइट करना पड़ेगा. फाइट के बगैर कोई सॉल्यूशन नहीं. यस, ये सबसे अहम बात आपने कही है कि ये जब तक कि हम एक होके और अपने मुद्दे नहीं रखेंगे, और मुझे लगता है कि हर लेवल पे करना पड़ेगा, कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और पुश कर करके अपने जो है, जो अपने हमारे मुद्दे हैं उन पे ध्यान लाना पड़ेगा. और ब्रांड्स को भी हमें थोड़ा मोबिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इमीडिएटली मुझे लगता है कि यदि कोई कुछ कर सकता है तो कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर तो इमीडिएटली कर सकता है, और फिर सरकार तो बहुत सोचेगी और फिर वो अपनी पॉलिसीज चेंज कर पाएगी, यदि कोई ऐसा सोचना शुरू भी हम लोग करवा सके तो. बहुत अच्छा लगा अशोक जी आपसे बात करके. शुक्रिया ब्यूटी स्पेस पे आने के लिए. एंड थैंक यू श्वेताशा, आपका आपसे भी बात करके अच्छा लगा, आपकी पॉइंट ऑफ व्यू समझ अच्छा लगा. लेट्स मीट अगेन.
another series sometime soon. Sheila ji, thank you again for being. My pleasure. Thank you. आप बहुत 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 धन्यवाद आप शीला मैम और रितु मैम. Thank you. Okay. Yeah. Thank you so much.